अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है, या यूं कहिए कि भगवान राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी राममय हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की 50 महिलाओं से सुसज्जित मानंदा महिला रामलीला मंगल योग समिति ने भी अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा जताने के उद्देश्य से अयोध्या के तुलसी स्मारक सदन में रामलीला के मंचन की शुरुआत की है। गौरतलब है कि ये महिलाएं चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और अल्मोड़ा के पतंजलि परिवार से हैं। खास बात यह है कि इस प्रभु लीला का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार हो गया है और इसके अलावा अन्य मूर्तियों के भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने साथ ही कहा, भगवान श्री राम के मंदिर की अलौकिकता की पूरी दुनिया में चर्चा होगी। ये मंदिर, मैं यही कहूंगा, अपने में परिपूर्ण है, विलक्षण है। अभी तो समझ में नहीं आएगा, 22-23 के बाद छोटी छोटी टोलियों में आइए, तब मंदिर में प्रवेश होगा। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार भी पर्यटकों को खूब भा रही है। भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या में पहुंचने की संभावना है। और आखिर में एक नजर डालते हैं देश के कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।